प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का अगर आप लाभार्थी हैं और 14वीं किस्त अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको EKYC करना ही होगा, अन्यथा आपका पेमेंट नहीं आएगा। तो EKYC कैसे किया जाता है, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप कोई भी गूगल ब्राउजर को ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ आप टाइप करेंगे PM किसान, तो ये वाला वेबसाइट आपके सामने आ जाएगा। PMKisan.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप यहाँ नीचे आएंगे, आप यहीं से पूरा PM किसान अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, यहीं से आप अपना एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं और यहीं से EKYC भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ EKYC के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ अपना आधार नंबर फिल करेंगे और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा EKYC इज ऑलरेडी डन बता रहा है, चलिए हम यहाँ से ओके कर देंगे। मेरा KYC किया हुआ है तो हमको KYC नहीं करना होगा। उसके बाद फिर से हम यहाँ होम पेज में आएंगे और नीचे आएंगे। आने के बाद यहाँ बेनिफिशियरी स्टेटस ट्रैक करेंगे अपना, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या शो करेगा। तो सबसे पहले आपको तो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है तो उसको जानना होगा, तो नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको इस पर क्लिक करेंगे आप। उसके बाद आप यहाँ दो तरह से अपना रजिस्टर्ड नंबर को जान सकते हैं, एक तो आप आधार के माध्यम से, एक मोबाइल नंबर के माध्यम से। तो चलिए हम मोबाइल नंबर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, ये कैप्चा यहाँ फिल करेंगे और गेट डाटा के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे कि मैंने वहाँ गेट डाटा के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ क्या बता रहा है मुझे, यू हैव नॉट कम्प्लीट योर EKYC, प्लीज़ कम्प्लीट योर EKYC प्रोसेस। जबकि मेरा ऑलरेडी किया हुआ है KYC, लेकिन फिर भी ये बता रहा है। तो आपको अभी घबराना नहीं है, ये साइट अभी मेंटेनेंस में है, इसमें अभी वर्क हो रहा है। तो इसके लिए हो सकता है कि आपका यहाँ सर्वर इरर है या कुछ भी हो सकता है जिसके वजह से ये शो कर रहा है आपको, लेकिन आप जब KYC करने जाते हैं वहाँ आपका ऑलरेडी KYC बता रहा है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। उसके बाद देखिए यहीं पे बता रहा है क्लिक हियर फॉर EKYC, चलिए हम इसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद यहाँ हम आधार नंबर फिल करेंगे और सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए जैसे कि मैंने आधार नंबर फिल किया और सर्च के ऑप्शन पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ EKYC इज ऑलरेडी डन बता रहा है, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आपका EKYC ऑलरेडी किया हुआ है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई बात नहीं है।